नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। सुष्मिता सेन ने हाल ही में बताया कि एक समय ऐसा था जब अपनी फिक्स शूट टाइमिंग के कारण लोगों को उनके साथ काम करने में मुश्किल होती थी। एक्ट्रेस ने बताया कि ज़्यादातर स्टार्स अक्सर देरी से आते थे, इसके बावजूद सुष्मिता अपने निर्धारित समय पर चली जाती थी। एक्ट्रेस ने बताया कि जब वो अमिताभ बच्चन के साथ भी काम कर रही थी तब भी वो अपनी शिफ्ट खत्म होते ही सेट से चली जाती थी। मेकर्स को उनकी यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वे कहते थे कि सुष्मिता के अंदर एटीट्यूड है, उनके साथ काम करना मुश्किल है। सुष्मिता ने कहा कि इन सभी चीज़ों के बावजूद वो आज भी ऐसे ही काम करती है। एक इंटरव्यू में सुष्मिता ने कहा, जब मैं इंडस्ट्री में शामिल हुई तो एक कल्चर बहुत कॉमन था। अगर आप तीनों खान या ए लिस्ट एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे हैं तो आपसे शिफ्ट की टाइमिंग और डेट्स के बारे में बातचीत नहीं की जाती थी। मेकर्स चाहते थे कि आप सिर्फ सिर झुकाकर फिल्म करें, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। सुष्मिता ने आगे कहा, मैं समय पर आती थी और अपने समय पर ही जाती थी। ये चीज़ मैं आज भी फॉलो करती हूँ। मैं कभी भी आने में देर नहीं करती, लेकिन फिर मैं अपनी शिफ्ट ख़त्म होते ही चली जाती हूँ। शुरुआत में मेरे इस रवैये से सभी को प्रॉब्लम थी। लोग कहते थे कि ये एटीट्यूड दिखा रही है, समझती क्या है अपने आप को, ऐसे काम कौन करता है। तब मैंने जाने कितनी बातें सुनी। सुष्मिता ने आगे कहा, समय के साथ फिल्म मेकर्स मुझे मेरी शर्तों के साथ हायर करने लगे। जब उन्होंने मेरे साथ काम किया तो उन्हें अंदाजा हुआ कि इससे प्रोडक्शन का कितना पैसा बच सकता है। सभी चीज़ें समय पर हो सकती है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।